हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आ गए हैं दोबारा हम अपनी व्हाइट बोर्ड में। इससे पहले हमने 10.1 एक्सरसाइज की थी, क्लास 6 की मैथ कर रहे हैं हम, मेंसुरेशन। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज आए हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ के समझ लेते हैं क्या क्या उसमें से है, उसके गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो बोला है कि रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर, बाय मतलब कि लेंथ और ब्रेथ हो गया इतना। ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर्स, हर साइड को कितनी बार लपेटा गया है या फेंस्ड किया गया है, 4 बार, ठीक है, 4 रोज ऑफ वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, ठीक है। तो क्वेश्चन समझते हैं पहले कि बोल रहा है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, जिसको आप समझ लीजिए कि रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, यानी एक लैंड है, एक गार्डन है या एक कोई भी फील्ड है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसकी लेंथ दे रखी है हमें 0.7 किलोमीटर, ब्रेथ दे रखी है हमें 0.5 किलोमीटर। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब बोला ईच साइड, मतलब हर साइड को, ठीक है, हर साइड को फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर, यानी हर साइड को आपको क्या किया है, 4 बार वायर से लपेटा गया है, यानी फेंस्ड किया गया है, ठीक है। यानी जैसे फेंसिंग करते हैं ना, बाउंड्री बनाते हैं, तो वैसे किया गया, एक बार, दो बार, तीन बार और ये एक 4 बार, ये कहने का इसका मतलब है, ठीक हो गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, तो कितने वायर लगे हैं, उन सब की मिला के जो लेंथ बनती है वायर की, वो हमें फाइंड करनी है। यानी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा स्टेप क्या है, क्वेश्चन समझ गए, दूसरा स्टेप है जो दिया है वो लिख लो। तो हमें लेंथ दी है, ठीक है, तो लिखते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड तो कितना है, 0.7 किलोमीटर। अब ब्रेथ दे रखी है, तो यहां लिखते हैं ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड कितना है, 0.5 किलोमीटर। तो हमें लेंथ हो गई है, ब्रेथ मिल गई है और 4 रोज हमें लपेटे गए हैं 4 बार। तो इट मीन्स क्या निकालना हमें आउटर का, पैरामीटर। तो पैरामीटर लिख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड, फॉर्मूला देखो हर बार फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो 2L+B, ठीक हो गया। इसमें पुट करते हैं वैल्यूज, 2 लिखा, L कितना है हमारा 0.7, प्लस ब्रेथ कितना है हमारा 0.5, ये 2, और ये पॉइंट को ऐड करना बताया था मैंने आपको, कि क्वेश्चन जो लिखा हमने उसके पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, 0.5 है तो 0.5 यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 7+5 12 का 2 कैरी 1, 0.0+1 1, यानी 1.2, तो यहाँ आ जाएगा 1.2, ठीक है, किलोमीटर। और 2 यहाँ पे है, 2 मीन्स दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 = 4 और 2 1 = 2, ये आ गया किलोमीटर, किसका, पूरे का जो है पैरामीटर। लेकिन ये एक बार आया है, यानी एक बार हम मेजर किया है, लेकिन हमें कितनी बार वायर लगानी है, 4 टाइम्स। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर लिखते हैं, लिखते हैं टोटल लेंथ ऑफ वायर नीडेड, ठीक है। तो लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, बिना लैंग्वेज के आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो 2.5 था और कितनी बार लपेटा गया था, 4 टाइम, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 4 16, 6 कैरी 1, 4 8 और एक 9, तो 9.6 किलोमीटर, ये इसका आंसर। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।